लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सीबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए पटना में राबड़ी देवी के आवास पर छापेमारी कार्रवाई की है। बताया जाता है कि लालू, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 14 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने पहले समन भेजा। 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था, तो वही 14 साल पुराने इस मामले में लालू प्रसाद, उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीन के बदले में रेलवे नौकरी दी थी। कहा जाता है कि जिनमें से 5 की बिक्री हुई, जबकि 2 गिफ्ट के तौर पर लालू को दे दी गई थी। पूरे मामले में लालू की यादव करीबी एवं पूर्व विधायक भोला यादव व हृदयानंद का भी नाम शामिल है। लालू यादव 2004 से 2009 के दौरान रेल मंत्री थे। इस दौरान भोला यादव उनके ओएसडी थे। वहीं ये पूरा मामला IRCTC से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोपी की जमीन राबड़ी देवी, मीसा भारती के नाम पर ली गई। ये भूमि प्रचलित सर्किट रेट से कम और बाजार दर से काफी कीमत पर अधिग्रहित की गई। पूरे मामले पर सीबीआई जांच कर रही है। एजेंसियों के मुताबिक बिहार में पटना के निवासी होते हुए भी कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति के लिए ये काम किया गया था। नौकरी के बदले में उम्मीदवारों ने लालू के परिवार के सदस्यों को एक निजी कंपनी के नाम पर जमीन ट्रांसफर की। उम्मीदवारों को सब्स्टिट्यूट के तौर पर नियुक्त किया गया। जमीन का सौदा हुआ, उन्हें रेगुलर किया गया। सीबीआई का आरोप है कि पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फीट भूमि पर लालू के परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर कब्जा किया। इन जमीनों का सौदा नगद हुआ था। सीबीआई पूरे मामले पर कह रही है, जमीनें बेहद कम रेट पर खरीदी गई थी। 14 साल पुराने इस पूरे मामले में लालू यादव, उनके परिवार ने कथित तौर पर 7 लोगों को जमीनें दी थी, जिसका मामला अब एक बार फिर से उभर कर सामने आया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाला एकाएक एक बार फिर से सामने आ गया है, चर्चा का विषय बन गया। सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची तो राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। बता दें, लालू यादव उनके परिवार पर आरोप 2004 से 2009 के रेल मंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान घोटाला किया, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। पटना के रहने वाले कई लोगों ने खुद या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए लालू यादव के परिवार के सदस्यों, उनके परिवारों के नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में पटना में मौजूद अपनी जमीन बेची थी, जिसको लेकर एक बार ये मामला फिर से गर्मा गया है। वहीं इस पूरे मामले पर अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, यह गलत है, इस तरह सभी विपक्ष के लोगों पर छापे मारना, प्रताड़ित करना सही नहीं। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा, कल मैंने कहा था, जिस तरह ट्रेंड बनता जा रहा है, विपक्ष के जितने भी राज्य हैं वहां काम ना करने दिया जाए। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची तो अरविंद केजरीवाल ने इन पर टिप्पणी करते हुए लालू परिवार का साथ दिया। दिल्ली के आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में पत्र लिखा। कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची है। रूप से देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होता है ना जी। अगर होगा कुछ तो उसमें निकलेगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं निकलेगा। और क्या कोई केंद्र सरकार का पिट्ठू नहीं होता है, स्वायत्त संस्था है वो, जिस पर भी हमारे ऊपर भी वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैडम, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि देखिए, मैं लगातार कह रहा हूँ कि सीबीआई पूछताछ के लिए आती है और पूछताछ के क्रम में वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती है, और जब उन देश में जो सरकार है किस तरह की है सबको पता है, और जो हालात पैदा की जा रही है संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से देश में प्रतिष्ठित जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के आंख में आंख लड़ा करके उनको चुनौती देते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो उनको रास नहीं आ रहा था। और यही कारण है कि आज सीबीआई जो दस्तखत दी है यहाँ, एक ऐसे दिन में जहां हर बिहारी, हर देशवासी होली मनाने के लिए अपने घरों में इंतजाम में लगा हुआ है, उसमें खलल डालना हुआ। पूर्णिया की रैली में लालू यादव जिस तरीके से, तो हमने कहा ना कि सिंगापुर से लौटने के बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी की हल्की सक्रियता, वर्चुअल जुड़ करके पूर्णिया की सभा में जो सच का
प्रकटीकरण किया और आवाम के बीच में रखा, भाजपा व्याकुल हो चुकी है और उसी का प्रकटीकरण है। अब सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई तो अपने मातहत, जहां जिनके मातहत है उनके इशारों पर काम कर रही है, इनका क्या कसूर है भाई?